इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 5 Pro और Mi A1 का कंपैरिजन करने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि आपको इन दोनों हैंडसेट में से कौन सा हैंडसेट खरीदना चाहिए। देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। दोनों ही हैंडसेट्स का डिज़ाइन अलग है और दोनों ही हैंडसेट्स का जो बॉडी है वो मेटल का बना हुआ है। बिल्ड और फिनिशिंग दोनों ही हैंडसेट्स के काफ़ी अच्छे हैं और देख सकते हैं कि जो Redmi Note 5 Pro जो हाल ही में लॉन्च हुआ था वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा बड़ा है। वैसे Mi A1 थोड़ा सा पतला है। अब दोनों ही हैंडसेट्स डुअल कैमरास के साथ में आते हैं और कैमरा का जो पोजीशन है वो अलग है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों ही हैंडसेट्स पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और ख़ास बात Mi A1 पर आपको मिलता है USB टाइप सी पोर्ट और Note 5 Pro में आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। दोनों ही हैंडसेट पे आपको IR ब्लास्टर मिलता है जो कि यूनिक चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके आप यही हैंडसेट को एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था डिज़ाइन और अब बात करते हैं स्क्रीन की। दोनों ही हैंडसेट्स का स्क्रीन अलग है। Mi A1 पे आपको मिलता है 5.5 इंच का स्क्रीन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में और Redmi Note 5 Pro पे आपको मिलता है 5.99 इंच का स्क्रीन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। मतलब कि आपको Redmi Note 5 Pro पे 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का स्क्रीन मिलता है, जिसके कारण जो स्क्रीन एरिया है वो आपको ज़्यादा मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। Mi A1 पर रन हो रहा है स्टॉक एंड्रॉयड ओरियो और Redmi Note 5 Pro पे रन हो रहा है MIUI 9, जो एंड्रॉयड नॉगेट बेस्ड है। यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो वो अलग बात है। Mi A1 पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर और जो Redmi Note 5 Pro है उस पर आपको मिलेगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो जो लेटेस्ट हार्डवेयर है वो आपको Redmi Note 5 Pro पर ही मिलेगा और बेहतर भी है। बैटरी की अगर बात करें तो 3080 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है Mi A1 पर और 4000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी Redmi Note 5 Pro पर। तो बैटरी लाइफ भी Redmi Note 5 Pro पर बेहतर है। दोनों ही हैंडसेट्स में आपको मिलेगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस और दोनों का प्राइसिंग भी सेम है 13,999 रुपये। तो घूम फिर के बात आ जाती है कैमरा पे, तो किस हैंडसेट का कैमरा बेहतर है गौर से देखिए। Mi A1 पर है 12 MP और 12 MP के डुअल कैमराज और फ्रंट कैमरा 5 MP का है और Redmi Note 5 Pro पर आपको मिलता है 12 MP और 5 MP के डुअल कैमराज और जो फ्रंट कैमरा है वो 20 MP का है और फ्रंट कैमरा भी बुके स्टाइल फ़ोटोज़ खींच सकता है। अब इस शॉट पर ध्यान दीजिए, ये जो शॉट है मैंने मेरा खुद का पोर्ट्रेट मोड खींचा हुआ है और दोनों ही हैंडसेट्स का इस्तेमाल किया है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं ये शॉट मैंने Mi A1 स्मार्टफोन से खींचा हुआ है। आपको बता देता हूँ कि मैंने यही हैंडसेट का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये Mi A1 से खींचा हुआ शॉट है और जो राइट हैंड साइड पर जो शॉट है वो मैंने Redmi Note 5 Pro से खींचा हुआ है। अगर आप फोटो पे ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड वाले पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से आया हुआ है, ब्राइट है और जो गाड़ी है वो भी अच्छी तरीके से आया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे Redmi Note 5 Pro से तो आप देखेंगे कि जो गाड़ी का कलर है लाल रंग वो Redmi Note 5 Pro पे और भी खिल के आया हुआ है और जो ब्लरी इफेक्ट है बैकग्राउंड में वो Mi A1 पर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन ये भी इतना बेकार नहीं है Redmi Note 5 Pro पे। लेकिन एक खास चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि जो Redmi Note 5 Pro है वो Mi A1 से बेहतर है, मतलब कि डिटेल्स में फ़ोटो खींचता है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पर। ये मेरा माथा देखिए, बाल जहाँ पे है वो उस पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर भी मैं जूम इन कर देता हूँ। जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है Redmi Note 5 Pro पर। ये देखिए, यहाँ पे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाल है, इंडिविजुअल बाल है, वो भी क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं। अब ये दूसरा शॉट देखते हैं। यहाँ पर मैंने पेड़ पर फोकस किया हुआ है। दोनों ही हैंडसेट्स में मैंने पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो भी ठीक ठाक आई हुई है, लेकिन Redmi Note 5 Pro पर ये और भी बेहतर लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज लग रहा है, लेकिन Redmi Note 5 पर काफ़ी नेचुरल लग रहा है। अब इस शॉट पर ध्यान दीजिए। अब ये जो Mi A1 स्मार्टफोन है इसमें टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया गया है। डुअल लेंस है, डुअल कैमराज है, लेकिन जो एक लेंस है वो टेलीफोटो लेंस है और जब कभी आप डुअल मोड या पोर्ट्रेट मोड या डेप्थ मोड जो भी कह लीजिए उसका उपयोग करते हैं तो
जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि आपको जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो ये एक लिमिटेशन है जब आप कंपैरिजन करते हैं मी A1 को दूसरे स्मार्टफोन के साथ में, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शॉट है ये दोनों ही हैंडसेट्स पर काफ़ी अच्छी तरीके से आया हुआ है, और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक में टेलीफोटो लेंस है और दूसरे में नॉर्मल लेंस है, तो देखा जाए तो दोनों ही अच्छा आउटपुट दिया है दोनों ने। अब ये इंटरेस्टिंग शॉट है, पेड़ का शॉट है, पेड़ पर मैंने फोकस किया हुआ है, और अगर पेड़ का साइज़ देखें तो दोनों ही फ्रेम्स में मैंने सेम रखा हुआ है, लेकिन अगर आप मी A1 पे देखें और रेडमी नोट 5 प्रो से कंपेयर करें तो जो गाड़ियाँ हैं या बैकग्राउंड है पीछे वो मी A1 पे काफ़ी बड़ा लग रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया गया है मी A1 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही शॉट्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप जो टेलीफोटो का जो डिफरेंस है अगर आप उसे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें तो। अब ये जो शॉट है ये लॉन्ग शॉट है, इसे मैंने नॉर्मल मोड में खींचा हुआ है, मतलब कि डुअल कैमरा मोड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। दोनों ही अच्छे शॉट्स आए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें जो स्काई है, आकाश है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आया हुआ है रेडमी नोट 5 प्रो पे। तो Redmi Note 5 Pro काफ़ी सिचुएशंस में अच्छा फ़ोटोज़ खींच लेता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट है, हाइड्रेंट का शॉट। अक्सर मैं हाइड्रेंट का शॉट हर एक स्मार्टफोन के साथ में खींचता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने खींचा हुआ है फिर से, और यहाँ पर मैंने Mi A1 जो का जो स्मार्टफोन है जिसका मैंने डुअल कैमरा का उपयोग किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइटिंग आ गई है, बहुत ही ओवर एक्सपोज लग रहा है, और ये जो लाल रंग है हाइड्रेंट का ये लाल नहीं बल्कि पिंकिश लग रहा है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो Redmi Note 5 Pro पर काफ़ी अच्छी तरीके से कंपोज हो गया है, और जो लाल रंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लाल दिख रहा है, और यहाँ पर जो टाइल्स है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल है, जबकि Mi A1 पर ये काफ़ी एक तरह से ब्राइटनेस आ गई है इस पर। अब बात करते हैं सेल्फी की। Mi A1 पर है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ये आउटपुट आप देख रहे हैं ये Mi A1 से लिया हुआ है, और जो Redmi Note 5 Pro है उस पर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और ऊपर से आपको बुके इफेक्ट मिलता है। देख सकते हैं कि बुके इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। एक ख़ास बात इसकी ये है, मतलब कि Redmi Note 5 Pro की ये है कि जो फ्रंट कैमरा का बुके इफेक्ट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, और जो एजेस है बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे बालों पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो एक छोटा सा स्ट्रैंड है बाल का ये भी कितनी अच्छी तरीके से डिटेक्ट हो गया है। तो ये फ्रंट कैमरा का कमाल है, मैं रियर कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रंट कैमरा भी इतना लाजवाब है, मतलब रियर कैमरा से भी कह सकते हैं कि बेहतर है। ये देखिए इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स को भी इसने अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लिया है, तो बैकग्राउंड के साथ में उसको मिक्स होने नहीं दिया है। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है Redmi Note 5 Pro पर। नाइट शॉट्स की अगर बात करें तो Mi A1 का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा बेहतर है, ये Mi A1 का आउटपुट है, और ये जो आउटपुट है ये Redmi Note 5 Pro का आउटपुट है। ये वीडियो मैंने Mi A1 से खींचा हुआ है, देख सकते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो शॉट है ये मैंने Redmi Note 5 Pro से खींचा हुआ है, और जो Redmi Note 5 Pro हैंडसेट है उसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है। देख सकते हैं कि बहुत स्मूथ फुटेज आप खींच सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको बेहतर आइडिया मिल गया होगा कि Redmi Note 5 Pro और Mi A1 में कौन सा हैंडसेट बेहतर है। दोनों ही हैंडसेट्स का प्राइसिंग सेम है, और हर एक एरिया में देखा जाए तो Redmi Note 5 Pro आगे है, कैमरा डिपार्टमेंट में भी। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो Redmi Note 5 Pro का बेहतर है, और हीटअप जो है वो Redmi Note 5 Pro पे कम होता है। बैटरी लाइफ देखें तो Redmi Note 5 Pro पर बेहतर है क्योंकि उसमें 4000 mAh की बैटरी है, और जो सेल्फी कैमरा है वो भी Redmi Note 5 Pro पर बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो सोचिए मत, Redmi Note 5 Pro के लिए जाइए, सबसे बेहतर हैंडसेट है 15,000 रुपये के अंदर। 13,999 रुपये से इसका प्राइसिंग शुरू होता है, 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में। 6GB RAM का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन बेहतर होगा कि आप 4GB RAM के लिए जाइए, उतना रैम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Redmi Note 5 Pro का पहला सेल होगा 22 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर और मी इंडिया वेबसाइट पर।